आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मैदान। सोचिए जब आपके घर में बच्चे तरक्की करेंगे, बीमारियाँ दूर होंगी, पैसे की तंगी नहीं होगी, तो जीवन कितना अच्छा होगा, कितना खूबसूरत होगा, आपको कोई नजर नहीं लगा पाएगा, घर में कितनी खुशहाली होगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो चलिए इसी कोशिश के साथ शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं शो में आज क्या है खास। अगर जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही है तो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का कवर बदल के देखिए, मूल्यांक के हिसाब से बदलिए और अपनी किस्मत को फिर से रंगीन करिए। चावल को खास तरीके से अगर खाया जाए तो मोटापा नहीं आएगा। चावल और मोटापे का कनेक्शन तोड़ने वाली खास ट्रिक। कुछ बीमारियाँ और दर्द ग्रहों के बुरे प्रभाव की वजह से होती है। आज जानिए कि कौन सा प्लैनेट कौन सी दिक्कत पैदा करता है और उसको दूर करने के खास उपाय। आपके नेल्स होंगे लंबे, चमकदार और मजबूत। नेल से जुड़ी खास ब्यूटी टिप्स। कुछ बीमारियाँ दबे पांव आती हैं और जिंदगी भर परेशान करती हैं। आपको देंगे उसको पहचानने की टेक्निक और उसको दूर करने का तरीका। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इन सबके कवर का ध्यान दीजिए। एक खास रंग हो सकता है जो आपकी किस्मत को बदल दे, आपके हर कम्युनिकेशन को अच्छा और लकी बना दे। ये खास इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कुछ ही मिनटों में, लेकिन इससे पहले आज का पहला महा उपाय जानिए, शादी करने का अचूक उपाय जानिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उससे प्यार में शादी भी करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने शुक्ल पक्ष में पहले थर्सडे से ये काम आपको शुरू करना है। लक्ष्मी नारायणा नमः इस मंत्र का रोज तीन माला का जाप करना है, स्फटिक की माला से जाप करना है या फिर लक्ष्मी वरवरद माला से जाप करें। तीन महीने तक ऐसा हर थर्सडे करें, मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी हो जाने की प्रार्थना कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं या शरीर में कहीं दर्द होता है तो मेडिकल वजह के साथ साथ ग्रहों की दिक्कत भी हो सकती है। आपको कौन से ग्रह के लिए कौन सी परेशानी होती है, इसके क्या उपाय करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ये बात आगे करेंगे, अभी आपके लिए सबसे लकी डेस्कटॉप स्क्रीन की बात। चलिए आपको थोड़ा सा हैरान कर देते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन, क्या तस्वीर आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या आप अपने मोबाइल पर कोई खास स्क्रीन लगाते हैं और आपकी लाइफ बदल सकती है? ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, आपको सिर्फ अपना मूलांक पता होना चाहिए और आप देखिए कि किस्मत कैसे बदलती है। देखिए हर मूलांक की अपनी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं। लेकिन दिन भर आप कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, कोई काम, कोई प्रोडक्टिविटी चीज, कोई अच्छी बात, कोई गुड न्यूज मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल्स, इन्हीं जरिए मिलती है ना? तो अगर आप कोई खास स्क्रीन सेवर, कोई खास कलर यूज करें तो आपकी गुड क्वालिटीज और इनहेंस होती हैं, बुरी खत्म हो जाती है। इसी डिटेल पर हम बात करते हैं। अगर आपका मूलांक एक है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ। ऐसे में आपकी स्क्रीन में ब्राउन, गोल्डन, पीले रंग को जरूर डालें। कोई भी नेचुरल सीन या फिर कोई लैंडस्केप भी आप ले सकते हैं। अगर आपका मूलांक दो है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 2nd, 11th, 20th या फिर 29th ऑफ एनी मंथ। आप किसी सॉफ्ट नेचर वाली चीज, क्रीम, लाइट ब्लू, ये कलर के स्क्रीन सेवर्स या कवर्स भी रख सकते हैं और कोई पानी वाली सीनरी भी या कोई पानी वाली आर्ट रिलेटेड स्क्रीन भी लगा सकते हैं। अगर आपका मूलांक तीन है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 3rd, 12th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 21st या फिर 30th ऑफ एनी मंथ। अपने गुड लक के लिए आप गंभीर नेचर वाले हिसाब से आप पर्पलिश कलर के, येलो या ब्लू कलर के स्क्रीन सेवर्स लगा सकते हैं। फूल, पत्ते, बुक्स, ऐसे स्क्रीन के अंदर के सेवर्स भी लगा सकते हैं। आप फैमिली फोटो को भी यूज कर सकते हैं गुड लक के लिए। अगर आपका मूलांक चार है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 4th, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 13th, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ। कलर्स जो आपके लिए लकी रहेंगे आपके गैजेट्स के लिए, वो हैं चमकीले ब्लू, मजेंटा, पिंक कलर के शेड्स। और आपको
कैसे स्क्रीन सेवर्स लगाने हैं, आपको मैजिकल सीन या कोई वॉर सीन भी आप यूज कर सकते हैं, किसी मनपसंद लीडर का फोटो भी लगा सकते हैं। अगर आपका मूलांक 5 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 5th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 14th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 23rd ऑफ एनी मंथ। अब हमको यूज क्या करना है, कलर्स के तौर पर अगर हम बात करें फोन के कवर्स या लैपटॉप के कवर्स, टेबलेट्स के कवर्स, तो हल्के ब्राउन, व्हाइट, शाइनिंग ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। किसी भी भगवान का या फिर किसी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी का सीन का स्क्रीन सेवर यूज कर सकते हैं गुड लक के लिए। अगर आपका मूलांक 6 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 6th, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 15th या 24th ऑफ एनी मंथ। जो कलर्स यूज करने हैं कवर को यूज करने के लिए वो है पिंक, ब्लू या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे लाइटर पेस्टल शेड्स यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीन्स की तो आप पहाड़, सी बीच, ऐसे स्क्रीन सेवर्स यूज करें ताकि आपकी लकी कम्युनिकेशन हो। मूलांक 7 है अगर आपका तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 7th, 16th या फिर 25th ऑफ एनी मंथ। कलर्स जो यूज करने हैं वो करने हैं ग्रीन, व्हाइट मिक्स ऐसे कर सकते हैं, आप गोल्डन शेड्स यूज कर सकते हैं, और जो आपको अंदर के स्क्रीन सेवर यूज करने हैं वो मॉडर्न आर्ट जैसे स्क्रीन सेवर यूज करने हैं। आप कुछ अच्छे क्रिएटिव ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी यूज कर सकते हैं, कुछ सस्पेंस वाले सीन भी कर सकते हैं, आपकी लक चमक जाएगी। मूलांक 8 है अगर आपका तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 8th, 17th या फिर 26th ऑफ एनी मंथ। जो कलर हमको यूज करने हैं ना कवर करने के लिए गैजेट्स को, वो होंगे ब्लू, ब्राउन या फिर पर्पलिश कलर, और ये सारे शेड्स बहुत अच्छे रहेंगे। जो स्क्रीन सेवर हमको लगाना है वो लगाना है लाइवली फील कराने वाली पिक्चर्स होनी चाहिए जो हमें लाइवली फील कराएं। मूलांक 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ। जो कलर हमको यूज करने हैं वो करने हैं रेड, पिंक या रस्ट कलर, और जो सीन्स हमको यूज करने हैं ये हमको करने हैं सूदिंग सीन्स, गार्डन के, पिकनिक के, स्पोर्ट्स के, जो हमको सूदिंग फील कराएं। आप चावल भी खाएंगे और मोटे भी नहीं होंगे, ये कैसे पॉसिबल है आपको बताएंगे। इससे पहले जानते हैं कुछ खास राशि की बात। मेष राशि के लोग एरियंस, घर में लाल गुलाब सजाएं, दिन लकी रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 टू 11:20 AM। लकी परसेंटेज 59%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरियंस, फ्रूट खाएं। लकी टाइम इवनिंग 5:50 टू 7:05 PM। लकी परसेंटेज 69%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, अपने इष्ट देव का नाम लेकर फिर घर से बाहर जाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3 PM टू 4:10 PM। लकी परसेंटेज ध्यान से नोट कीजिए 47%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, वाइफ को बाहर खाना खिलाने ले जाएं, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करें। लकी टाइम इवनिंग 7:20 टू नाइट 8 PM। लकी परसेंटेज 72%। क्या आपके घर के मेन दरवाजे के सामने कोई मंदिर तो नहीं है, इससे क्या होता है आगे बताऊंगी। घर से जुड़े कई वास्तु के बारे में और बताऊंगी। इससे पहले आपको बताते हैं बिना मोटे हुए चावल कैसे खाएं, किस तरह खाएं चावल और मोटापे से रहें दूर। अगर आप नारियल तेल डालकर चावल को पकाते हैं और फिर उसमें आप जैसे चावल बॉईल कर रहे हैं उसमें 1 से 3 बूंद सिर्फ नारियल का तेल मिक्स करें, फिर चावल को किनारे रखें, कुछ देर के लिए पानी सोखने का इंतजार करें। जब चावल को 12 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, फिर दोबारा गर्म कर खा सकते हैं। जब आप नारियल का तेल डालकर चावल को छोड़ देते हैं तो चावल में मौजूद कैलोरी को 60% तक कम कर देता है। यह ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, इंसुलिन को असर करने के लिए मददगार देता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, आपका पेट भरा हुआ फील होता है और मोटापा जल्दी ही कम करता है। ये सब मोटापे को कम करते हैं और कुछ आम बीमारियों को दूर रखने से रोकता है। ये इंसुलिन को असर करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को बढ़ाता है, आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, मोटापा जल्दी कम करता है। ये सब मोटापा कम करता है और कुछ आम बीमारियों को भी होने से रोकता है। नारियल के नुस्खे को भी स्टार्च वाले खाने में इस्तेमाल करें। आप दूसरा स्टार्च वाला खाना भी नारियल तेल की मदद से और चावल को 12 घंटे तक फ्रिज में रखकर बिना मोटे हुए खा सकते हैं। पास्ता, आलू,
ओट्स और अनाज भी नारियल के तेल में बन सकते हैं और इसमें मौजूद कैलोरी को कम किया जा सकता है। इसलिए आप चावल को उबालिए, जब पानी गाढ़ा हो जाए तो आप उस पानी को फेंक दीजिए, इससे भी उसकी कैलोरीज कम हो जाती है। मजबूत और लंबे नेल्स किसी भी फीमेल की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अगर आपके नेल्स अच्छे नहीं दिखते तो आज की ब्यूटी टिप आपके लिए बहुत काम आएगी। पहले जानिए कुछ खास वास्तु टिप। अगर आपके घर के मेन दरवाजे के सामने कोई धार्मिक स्थल है तो ये क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप किसी से शादी करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं। अगर लड़की का या लड़के का चेहरा अच्छा होता है तो आप बाकी बॉडी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये बढ़ घट सकती है। ठीक उसी तरह घर का मेन दरवाजा मेन है। अगर आपकी एंट्री स्ट्रांग है तो समझिए कि बात बन सकती है, बाकी चीजों की रेमेडी पॉसिबल है। तो इसी तरीके से मेन दरवाजे पर मेन ध्यान देना है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि घर के मेन दरवाजे के सामने कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके दरवाजे तक सीधी सड़क आने के कारण जो नेगेटिविटी है, देखिए मंदिर जब लोग जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वहीं छोड़ाते हैं। अगर आपका घर का दरवाजा मंदिर के दरवाजे के सामने है तो समझिए वो नेगेटिविटी आप रिफ्लेक्ट कर लेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने दरवाजे के ऊपर या साथ में शीशा लगा देना है, वो भी 8 कोनों वाला शीशा, जो कि वही रिफ्लेक्शन वापस रिफ्लेक्ट करे ताकि आपके घर में वो नेगेटिविटी ना आए। आप जब शीशा लगाते हैं तो ध्यान दीजिए इसे किसी और पड़ोसी के घर पर आपको केंद्रित नहीं करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने पर आपको ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, जो आपके घर में बिजली का सामान होता है ना, ये ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का सोर्स होता है। आपके घर में मीटर, जनरेटर, जेनसेट, इन्वर्टर, इन सभी चीजों को जो बिजली का सोर्स है उनको अग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट में लगवाएं। इससे आपके घर में सबकी एनर्जी अच्छी बनी रहती है। अगर साउथ ईस्ट में करना पॉसिबल नहीं है तो उसको नॉर्थ वेस्ट में लगवाया जा सकता है। आपके घर का मेन दरवाजा जिस डायरेक्शन में है, बिजली का मीटर भी उसी डायरेक्शन में लगवाया जा सकता है। वैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार मीटर बोर्ड लगवा सकते हैं। कमरे में एंट्री करते समय दाईं तरफ स्विच बोर्ड लगवाना चाहिए। एक बात आपको और बताते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पर आपको ध्यान देना है। ड्रेनेज सिस्टम आपकी किचन की नॉर्थ या ईस्ट में ही होना चाहिए, इससे आपके घर में सब कुछ हेल्दी रहता है। दरवाजे के पास खाना बनाने वाली जगह अगर के ऊपर एक विंचा या घंटी लगा दी जाए तो आपका खाना बनाते समय पॉजिटिव ऊर्जा रहती है और घर में सब हेल्दी रहते हैं। किचन की सभी नालियों को ठीक ढंग से ढक कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि फेंग शुई में पानी को रसोई घर से बाहर निकलते देखना खराब माना जाता है। रसोई घर के बीच में एक खाली जगह होनी चाहिए। रसोई के बीच में जब आप कोई भी भारी सामान रखते हैं तो ये स्टमक की प्रॉब्लम दे देता है। गैस स्टोव कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा रसोई घर साफ और क्लीन रखना चाहिए। गैस चूल्हे को रसोई घर के एंट्री के सामने नहीं रखना चाहिए। वॉश बेसिन यानी कि सिंक, वाटर टैप, पानी फिल्टर, पानी की जितनी भी चीजें हैं, स्टोरेज है, ये रसोई घर के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो मेंटल स्टिमुलेशन, घर में पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय, झुर्रियों से कैसे मिलेगी निजात। दो अंडों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसके बाद इन्हें ककड़ी का जूस या फिर चुटकी भर बेसन इसमें मिला दीजिए। ऐसा करने से आपकी स्किन का रंग निखर जाएगा, आपकी झुर्रियों से आपको निजात मिलेगी। आपके नेल्स लंबे और मजबूत बने, ये ब्यूटी टिप आपको दूंगी। आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में भी बताऊंगी जिनको हम दूर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि के लोग लियोज, सोते समय एक ग्लास दूध पीकर सोएं। लकी टाइम नाइट 8:05 to 9:10 PM। लकी परसेंटेज 51%। कन्या राशि के लोग वर्गो, कल किसी भी नदी या नहर में फूल बहाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 to 10:45 AM। लकी परसेंटेज 64%। तुला राशि के लोग लिब्री, गणपति भगवान की आराधना करें, बहुत अच्छा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:36 to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 49%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, कल ग्रीन सब्जी जरूर खरीदेगा, मरकरी स्ट्रांग होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:40 PM।
लकी परसेंटेज 86%। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एकदम से आ जाती है और पूरी जिंदगी आपको परेशान करती है। ऐसे में कुछ और बीमारियां भी हैं। आपको इन बीमारियों से सावधान करूंगी। पहले खास ब्यूटी टिप, हेल्दी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग नेल्स के लिए अपनाइए घरेलू टिप्स। नेल्स पर लहसुन यानी कि गार्लिक रगड़ें। लहसुन के दो टुकड़े काट लें, अपने नेल्स पर 10 मिनट तक रगड़ें। ऐसा करने से 10 दिनों में आपके नेल्स अच्छे से लंबे हो जाएंगे। इस चीज को आप डेली सुबह और शाम दो टाइम कीजिए। संतरे का जूस, अंडे का वाइट पार्ट एक कटोरी में निकालें। इसमें 2 चम्मच संतरे का जूस निचोड़ें। इस घोल को अपनी नेल्स पर 5 मिनट तक लगाकर रखें। इसमें विटामिन सी होता है, कोलेजन होता है जो नेल्स को लंबा करता है, स्ट्रेंथ देता है। रात को सोते समय अपने नेल्स पर ऑलिव ऑयल लगाएं। ऐसा कर अच्छे से मालिश करेंगे। इसमें विटामिन ई होता है जो नेल्स को नरिशमेंट देता है और साथ में ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है, जिससे आपके नेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक और बात, टमाटर खाना बनाते समय टमाटर अगर आप अपने नेल्स पर 10 मिनट तक रगड़ते हैं, सब्जी पका रहे हैं टमाटर भी रगड़ लीजिए, इससे आपके नेल्स जल्दी बढ़ेंगे। अलसी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल लगाने से अपने नेल्स को आप मुलायम, शाइनी और हेल्दी बना सकते हैं। बस 5 मिनट तक इस तेल को अपने नेल्स पर अच्छे से लगाकर रखें। इसमें प्रोटीन, विटामिन ई, ओमेगा 3 होता है जिससे नेल्स में मजबूती आती है। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपकी एनर्जी को बढ़ाने का शॉर्टकट बताते हैं। लकी कॉलर से बात करने से पहले उन बीमारियों की बात करते हैं जो दबे पांव आती हैं। ऐसी 2 बीमारियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली है डायबिटीज, जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये तब तक पकड़ में नहीं आता जब तक आप टेस्ट ना कराएं। इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि बार बार टॉयलेट जाना, चिड़चिड़ापन होना, आपकी नेचर में आपके चेहरे में झुर्रियां आ जाना, आपका कोई घाव हो जाता है वो ठीक नहीं होता है, ऐसे में आपको इंस्टेंट टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी ऐसी बीमारी है जो फीमेल्स में आमतौर पर पाई जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये हड्डियों की एक बीमारी है। इस समस्या को देखा जाता है जिसमें बोन्स वीक हो जाती है, आसानी से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है बोन मिनरल डेंसिटी का कम होना। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए आसानी से टूटने लगती हैं। आगे चलकर हैंडीकैप होने तक की नौबत आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल्स को कैल्शियम क्वांटिटी आफ्टर 30 ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। तीसरा महापाय जानने से पहले आखिर की 4 राशियों की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, कल नहाने से पहले आईना जरूर देखें। लकी टाइम इवनिंग 5:05 to 6:20 PM। लकी परसेंटेज 57%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, मंदिर में शिव जी के दर्शन जरूर करें। लकी टाइम मॉर्निंग 8:05 to 9:40 AM। लकी परसेंटेज 71%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, लाल या काला शर्ट पहनकर ऑफिस या कॉलेज स्कूल जाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to afternoon 12:05 PM। लकी परसेंटेज 47%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, चिड़िया के लिए छत पर पानी रख दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:30 PM। लकी परसेंटेज 57%। आखिर में जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय, बॉडी में एनर्जी बनी रहे इसके लिए क्या कीजिए। अगर किसी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आलस के कारण वो कहीं ना कहीं सक्सेस से पीछे छूट रहा है, उसका मन काम में नहीं लगता और उसको ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ में बड़ी ही लेजीनेस आ रही है, लाइफ की लेजीनेस को कम करने के लिए कटेरी की जड़ शहद में पीस लेनी चाहिए। अब इसको सिर्फ सुनने से आलस दूर हो जाता है, आप ऊर्जावान हो जाते हैं। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन आपको बताते हैं अगली मुलाकात बहुत खास होगी, क्योंकि आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं कल कुछ खास चीजें लेकर आ रही हूँ। तो खास चीजें ऐसी हैं जो आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी खुशियों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो मैं बताती हूँ उन्हें नोट किया कीजिए, बाद में शेयर किया कीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।